एस एस राजामौली एंड जेम्स कैमरॉन सदी के टू ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड डायरेक्टर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा नहीं, एक्चुअली कई लोगों का मानना है। अब देखो, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव रियलिटी आखिर क्या है? आर दे रियली ओवररेटेड? बट उससे पहले, आखिर मैंने यही नाम क्यों लिए? वेल, दे बोथ आर बॉक्स ऑफिस टाइटन्स, बट ये सबको पता है, इट्स नॉट अ न्यू फैक्ट। पर मैं तुम्हें कुछ नया बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दे बोथ आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर कास्ट एंड क्रू। According to the crew involved in Titanic, Titanic was the closest thing to slavery with non-stop physical abuse. Like during filming, bathroom breaks nahi hote the, jiske karan the cast and crew had to be into water tanks, jo actually filming ke liye use hote the. Although SS Rajamouli kaam ke liye James jitne psycho to nahi hai, but still he's also very strict to cast and crew. Like for Natu Natu, which we went through hell, torture. Ek aur incident batata hu. Alien 2 टॉर्चर था कास्ट एंड क्रू के लिए एज कम्पेयर टू एलियन, क्योंकि पहला पार्ट तो रिडली स्कॉट की डायरेक्शन में था, बट एलियन 2 मगर क्यों? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलियन 2, जेम्स कैमरॉन सेड, दिस हैज बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट शूट फ्रॉड बाय मेनी प्रॉब्लम्स। But the one thing that kept me going through it all was the certain knowledge that one day I would drive out of the gate of Pinewood and never come back, and that you sorry bastards would still be here. मजा आया। इनकी strictness कैसी भी हो, ultimately it is contributing to cinema, so I don't think इससे तुम्हें कोई problem होनी चाहिए। And अगर है भी तो इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है दोस्त, क्योंकि तुम बस Twitter पे cancel ही कर पाओगे। दोनों ही directors अपनी films को culturally rooted रखते हैं, इनकी movies decades को define करती हैं। Whether it's Bahubali that actually broke boundaries on an Asian level for the first time, RRR, first Oscar win for India, or Titanic that actually made Hollywood popular here in India, Terminator 2, most 90s movie ever made, from costumes to songs to aesthetics. पता है गुस्सा तो तब आता है जब सो कॉल्ड सिनेमा एलिट्स इन दोनों को कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं। लाइक एस एस राजामौली को हेट मिली अपनी फेवरेट मूवीज की लिस्ट पर, क्योंकि उनकी लिस्ट में फॉरेस्ट गंप एंड द लायन किंग जैसी मेन स्ट्रीम मूवीज थी जिन्हें ये लोग सिनेमा तो कंसिडर ही नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मार्टिन चाचा आपकी बात नहीं हो रही। There's this cinephile and author called Asim Chabra. He quoted Rajamouli's list and he said, "This filmmaker won the Best Director award at New York Film Critics Circle. Look at his number 1 and number 10 pick." Anyway, इन एलिट्स के चौदों ने बोला, अरे ये बंदा तो बिल्कुल ऑस्कर डिजर्व नहीं करता, इसकी लिस्ट में हैदर और ब्रोस जैसी मूवीज क्यों नहीं है, कितनी मास्टरपीस मूवीज है वो। बैबलॉन मूवी के एंड में जब सभी आइकॉनिक मूवीज को सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, तब वहां पर अवतार का भी मेंशन था, एंड एज एक्सपेक्टेड इन कुत्तों ने ट्रोल किया। अरे तौबा तौबा, मैंने जेम्स कैमरॉन की मूवी के 2 सेकंड इस बैबलॉन में कैसे देख लिए, दिस इज नॉट सिनेमा। फॉर अ मिनट लेट्स अग्री टू डिसएग्री, मान लिए दोनों डायरेक्टर्स ओवररेटेड हैं, बट एक चीज किसी से छुपी नहीं है, ये में भी अभी तक के बेस्ट एक्शन स्टोरी टेलर्स हैं। कैसे? ऐसे, एक्शन सिनेमा की यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे मोस्टली डायरेक्टर्स ट्राई करते हैं, फरहाद सामजी से लेकर सिद्धार्थ आनंद जैसे छपरी डायरेक्टर्स भी, बट ये एक्शन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन्हें एक्शन दिखाना है बस। इनके एक्शन में कोई सोल नहीं होती, जैसे पठान का इंट्रो सीन, नो हेट टू SR के, बाय द वे साला बताना पड़ता है, इसमें एक्शन है लेकिन सोल नहीं। मूवी को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो इसके बाद स्टार्ट होती है। मूवी का बैकग्राउंड इस एक्शन सीन के बाद सेट होता है, बट मैं इस पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्शन का सेटअप एंड बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, बाद में नहीं। पठान क्या है? वी डोंट नो। पठान क्यों है? वी डोंट नो। अच्छा, ये एक्शन क्रिएटिव भी नहीं है, एंड दस इट्स अ पथेटिक एक्शन सीन। अब एक बार राम के इंट्रो सीन को देखो, राम कौन है? एक पुलिस ऑफिसर। राम क्यों है? वी डोंट नो। बट राम का मोटिव क्या है? बंदे को पकड़ना। बट क्यों? वेल, इट्स अ सस्पेंस। इस सीन की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लियर है, बट इट हैज सस्पेंस, एंड इसलिए इट इज अ डैम गुड सीन। ये तो मैं इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, बट सब कुछ बताना नहीं चाहता। अब एक अब्सर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, बट क्या करूँ, इससे परफेक्ट एग्जाम्पल भी कोई नहीं है। द डार्क नाइट का ओपनिंग सीन एक मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि ये साला पूरी मूवी को डिफाइन कर जाता है। जोकर अपनी टीम को सेट करता है एक दूसरे को मारने के लिए, बिट्रेयल पर। बेसिकली जोकर मॉरल्स को चैलेंज करता है इनके, एंड वेल इट डिफाइंस द होल मूवी। इट इज अबाउट चैलेंजिंग मॉरल्स, जो एंड में भी तुमने देखा होगा कुछ ऐसा ही सीन होता है मॉरल्स वाला। खैर, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। जेम्स कैमरॉन एंड SS राजामौली सटल नहीं है, इनकी मूवीज में जो भी लेयर्स एंड डिटेल्स होती है वो ऑडियंस के मुंह पर मारी जाती हैं। बट इन दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। कैमरॉन की मूवीज मोस्टली सर्वाइवल के बारे में होती हैं, एंड राजामौली की ड्यूटी के बारे में। बाकी एज आई सेड, दे आर ग्रेट, नॉट ओवररेटेड एट ऑल, एंड ये प्रो तो है ही, साथ में ब्रो भी हैं। एनीवे, तुम मेरे ब्रो बनना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर सिस्टर बनना चाह शिट बाड़ी समझ के बोल रहा हूँ यार।
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो हाँ यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, राम राम। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.